हाँ जी बाबा शरीर में 10 इंद्रियां। अरे ये तो दुनिया वाले भी जानते हैं, बेसिक वाले भी जानते हैं और एडवांस वाले नहीं जानते हैं। ये क्या बात हुई? कर्मेंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, पांच है कर्मेंद्रिया और पांच है ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान पैदा होता है और कर्मेंद्रियों से कर्म होता है। कर्म स्कूल है या ज्ञान स्कूल है? कर्म स्थूल है और ज्ञान सूक्ष्म है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? हैं? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है और स्थूल में उतनी ताकत नहीं होती है। पांच कर्म इंद्रियां हैं, उनमें हाथ पांव मुस्तेंद्रिय मलक त्याग इंद्रिय और पांचवी कौन सी है? ये खाना खाते हैं। मुखेंद्रिय है, पांच कर्मेंद्रियों में मुख्य कौन सी है? है मुख, मुख है मुखिया, मुख तो चाहिए खान पान को। एक पाल है पोष है सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखेंद्रिय ऐसी है कि जो कुछ भी ग्रहण करता है खान पान वो सब इंद्रियों को बांट देता है। किसी को कम बांटता है या ज्यादा बांटता है? है सबको बराबर बराबर बांटता है। तो कर्मेंद्रियों में मुख्य है मुखेंद्रिय और पांच है ज्ञानेंद्रिया। उन ज्ञानेंद्रियों में जिनसे ज्ञान होता है मुख्य कौन सी है? आंख। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती है। आंखें जो बहुत धोखा देने वाली है वो आंखें सिविल आई है या क्रिमिनल आई है? क्रिमिनल आई है तो बहुत धोखा देने वाली है। और क्रिमिनल आई अगर सिविल आई बन जाए तो धोखा देने की बजाय क्या हो जाएगा? सुखदाई बन जाएंगी। क्रिमिनल आई कैसे कहा जाए और सिविल आई कैसे कहा जाए?
कहें सिविल आई और कब कहें क्रिमिनल आई। अगर आत्मा की याद है, आत्मा की स्थिति पक्की है, स्वयं को भी आत्मा समझते हैं, आत्म रूप में देखते हैं और दूसरों को भी आत्मा इच्छार के रूप में देखने की अभ्यास ही पक्के हो गए हैं, तो सिविल आई है, सुखदाई है। अगर देह के रूप में देखने के अभ्यासी है तो क्रिमिनल आई। ये तो वही मुख्य है ज्ञानेन्द्रिय, और दूसरी कान। कान के लिए खास, आज की दुनिया वालों के लिए, उनमें भी खास भारतवासियों के लिए क्या बोला है। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। ये 2500 वर्ष की ही बात है, यह संगम युग की भी बात है। संगम युग की बात कैसे? या तो प्रत्यक्ष में बाप आया हुआ है, बच्चे तो जानते हैं ना कि बाप आया हुआ है, किससे तो सुना है बाप आया हुआ है, या समझ लिया है, है? समझा हुआ भी है कि बाप आया हुआ है। फिर दुर्गति को पाने की शूटिंग हो सकती है क्या? अरे सबकी सदगति होनी चाहिए, 100% सदगति होनी चाहिए या दुर्गति होनी चाहिए? सदगति होनी चाहिए। फिर सदगति होती है क्या? है खास भारतवासियों की, भारतवासियों के लिए बोला है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। शूटिंग कौन करते हैं? है? बाप के ब्राह्मण बच्चे ही शूटिंग करते हैं, सुनी सुनाई बातों के आधार पर उल्टा फैसला कर लेते हैं। परख शक्ति न होने के कारण बाप का जो एग्जैक्ट स्वरूप है, मैं जो हूँ जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, उस स्वरूप को ज्यों का त्यों न पहचानने के कारण ऐसा दूसरों के सुन सुनाए के आधार पर अपना घात करते रहते हैं, अनिश्चय बुद्धि बनते रहते हैं और अनिश्चय में आते आते बाप से दूर हो जाते। दुनिया वालों की ज्यादा सुनते हैं और अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं। नहीं तो बुद्धि की 1000 नियामत कही जाती है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र हर ब्राह्मण बच्चे को मिला हुआ है। ये 1000 नियामत दुनिया वालों को तो नंबरवार मिलती है और बच्चों को तो पक्का पक्का मिलता है। फिर दुनिया के सुने सुनाए आधार पर चलना है
चलना चाहिए या अपनी बुद्धि के आधार पर फैसला करना चाहिए? बुद्धि के आधार। लेकिन ऐसे नहीं होता। पर चिंतन में आ जाती है औरों की मत पर चल पड़ते हैं और उन बातों के रस में आकर के अपना घात करते रहते हैं, दुर्गति को पाते रहते हैं। दुर्गति माना क्या है? दुर्गति माना जो माला के मणका ऊंच गति को पाना चाहिए वो मणका नीचे खिसकता जाता है। जितना जितना बाप की निंदा को स्वीकार करते जाते हैं मणका नीचे उतरता जाता है। तो दूसरी मुख्य इंद्रिय है कान और तीसरी है नाक। कुत्ता नाक से क्या करता है? जो भी जानवर होते हैं उन जानवरों में कुत्ते की घ्राण शक्ति बहुत तीखी होती है। और सूंघा कांगी के आधार पर एक धर्म ऐसा है जो खुद के भी पतन का निमित्त बनता है। भगवान बाप से दूर हो जाता है और औरों को भी दूर करने के निमित्त बन जाता है। कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। ये नाम क्यों पड़ा है? इस धर्म में गंदी बातों को सूंघने वालों की लाम लग जाती है। लाम माने लाइन लग जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी कौन से धर्म वालों की थी? इस्लाम धर्म वालों की। उनके फॉलोअर भारत में बड़े लंबे समय तक राज्य करते हैं। उनका नाम क्या पड़ा? मुगल। मुगल राज्य। ये नाम क्यों पड़ा है? उनका मुंह सूंघा सांगी करते करते ग्लानी करते करते गल गया। इसलिए मुगल राज्य कहा गया। भारतवासी उनकी प्रजा बन गई, माने उनके प्रभाव में आ गए। प्रभावित माना प्रजा। ये शूटिंग कहाँ होती है? ये भी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। सिर्फ बेसिक में ही नहीं होती है, एडवांस में भी होती है। और चौथी मुख्य इंद्रिय कौन सी है? ज्ञान इंद्रिय है।
क्या स्वाद इंद्रिय मीठा है खट्टा है कड़ुआ है तीखा है ये जिभ्या से ज्ञान होता है ना ये स्वाद इंद्रिय भी बहुत लोभ पैदा करने वाली है और पांचवी इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय है स्पर्श करते हैं ना बहुत चिकना है बहुत मुलायम है बड़ा हार्श है पत्थर जैसा कड़क है ये स्पर्श इंद्रिय सारे शरीर में फैली हुई खास करके हाथ सुन दसों के नाम सुनाओ आप कई प्रश्न कर रहे हैं तो बताओ पास तो मालूम है अरे अभी तो दसों बताए दसों इंद्रियों का नाम अभी बताया ना अच्छा बड़े भाइयों से पूछ करके लिख लेना क्योंकि जिन्होंने याद कर लिया वो हो गए बड़े नहीं ध्यान दिया एक कान से सुनते रहे और इधर उधर दूसरी इधर उधर हो गई तो कान से निकल गया तो छोटे हो गए बड़े हो गए छोटे हो गए और हाँ जी हाँ संगम युग में संगम युग हाँ 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 गायन संगम युगी कृष्ण का गायन जो संगम युगी कृष्ण है वो अभी प्रत्यक्ष हुआ है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण वो संगम युगी कृष्ण है या द्वापर कलयुगी कृष्ण है संगम युगी कृष्ण है नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता ये चारों ही नाम एक ही व्यक्तित्व के हैं, एक ही पर्सनालिटी के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, या अलग अलग पर्सनालिटीज हैं? एक ही है और वो अभी प्रत्यक्ष हुआ है या नहीं हुआ है नहीं हुआ है माया उस व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष नहीं होने देती वायलोरा डालती ही रहती है तो जब प्रत्यक्ष नहीं होने देती तो अभी क्या कहेंगे प्रत्यक्ष हुआ संगम युगी कृष्ण या नहीं हुआ नहीं हुआ जब ज्ञानी तू आत्मा कहे जाने वाले ब्राह्मण बच्चों को ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो औरों को वेदिक वालों को
या दुनिया वालों को कैसे प्रत्यक्ष होगा? वैसे वाले तो ऐसे ही मुंह का बक्का लगाए रहते हैं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। चित्र बनाई दिया, शिव का चित्र बनाई दिया, लिंग उसमें रख दिया बिंदु, वो गीतापति भगवान हो गया। अरे बिंदु पति का संबंध हो सकता है क्या? वो कैसे गीतापति हो गया? चित्र बनाते हैं, खुद भी समझते नहीं है। कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन दूसरी ओर ये भी बताते हैं कि कृष्ण की ही आत्मा वर्तमान संगम युग में दादा लेखराज का साकार पार्ट बजाती है, दूसरी कोई आत्मा नहीं है जो भगवान के रथ का साकार पार्ट बजाती हो। तो प्रैक्टिकल में गीता का भगवान कौन हुआ? कृष्ण और उसका दादा लेख राजी हो गया। यहां तक उनकी बुद्धि पहुंचती नहीं है। जैसे दुनिया वालों को कहते रहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परंतु फिर बुद्धि यहां तक नहीं पहुंचती कि एक व्यापी कहां है। सारा ही ज्ञान उल्टम पलटा, दुनिया को कहते कुछ और है और प्रैक्टिकल में करते कुछ और है। यहां भी एडवांस वालों में भी दुनिया को भले समझाते हैं क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन खुद अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। आज निश्चय बुद्धि और माया आज ही कोई बातों में अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है, तो खुद ही पक्का नहीं हुआ है तो दूसरों को पक्का कैसे करावेंगे? अर्जुन के लिए पांच शब्द का संबोधन होता है, इसका मतलब क्या होगा? रथु शब्द से बना है पार्थ, प्रथु राजा और उसका बेटा पार्थ, ब्रह्मा का बेटा एक मात्रा बढ़ेगी ब्राह्मण, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव एक मात्रा बढ़ गई, ऐसे ही प्रथु का फॉलोअर या प्रथु की रचना पार्थ, प्रथु पृथ्वी का राजा था, पृथ्वी माता और प्रथु पिता, तो पार्थ शब्द अर्जुन के लिए आया है। माला का आह्वान करूं, लेकिन विजय माला तो बहुत बड़ी लंबी है। माला ज्यादा लंबी है या विजय माला ज्यादा लंबी है? हाँ? अच्छा 500 करोड़ रुद्रमाला नहीं है? बाबा तो बाबा 500 करोड़ को रुद्रमाला नहीं बोलते,
साठ की जो माला होगी है, कम से कम की जो माला है, बाप के तक के जो बच्चे होंगे सारे चार बार लंबी कहाँ हुई, तो बराबर हो गई। शहद की मक्खियाँ होती है, शहद की मक्खियाँ जब होती है तो वो एक के पीछे एक उड़ती है या नहीं उड़ती है, नंबर बार उड़ती है ना, तो सारी मक्खियों को आवाहन किया जाता है या एक रानी मक्खी का आवाहन किया तो पीछे पीछे लाइन लगा के सारी मक्खियां आ जाती है। माला जिसे कहते हैं उसको कहते हैं संगठन, माला माने संगठन, और संगठन में दो धागे होते हैं, एक स्नेह का धागा और दूसरा ज्ञान का धागा, दो धागों को मिलाने से पक्की माला बन जाती है बांधने वाली। तो उस धागे का मूल कनेक्शन किसके साथ होता है, है? ऐसे तो हर धागे इसके साथ कनेक्शन है, लेकिन ऊंच से ऊंच कनेक्शन किसके साथ है, है? जो ऊपर का युगल मंत्र है उसके साथ पक्का कनेक्शन है। इसलिए कहा जाता है एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। एक एक शहद की मक्खियों को पकड़ते फिरो तो पकड़ में नहीं आवेंगी, एक रानी मक्खी को पकड़ लिया आवाहन कर लिया तो पीछे पीछे सारी मक्खियां आ जाएंगी। ऐसे नहीं सोचना होगा इतना बड़ा मक्खियों का झुंड कैसे पकड़े, कैसे आवाहन करे। और बाबा राम के क्या नाम है, बंदर भी देखा है और वो भालू भी देखा है। जो बंदर होते हैं उन्होंने दिखाया है कि पांच विकार सबसे जास्ती होते हैं। और बंदर चंचलता का प्रतीक है, क्या कहते हैं, कैसी बुद्धि, बंदर बुद्धि। और बंदर बुद्धि के मुकाबले भालू भालू जो होता है उसमें विशेषता क्या होती है बंदर के मुकाबले, है? बाल बहुत होते हैं, घने घने बाल। बाल किस बात के प्रतीक है, और ज्यादा विकार अज्ञान से आते हैं, वो अज्ञानता के काले काले बाल हैं। बंदर वो भी दो प्रकार के होते हैं खास, लाल मुंह वाले और काले मुंह वाले। ऐसे तो भांति भांति के बंदर होते हैं, जू में जाके देखे जा सकते हैं। ये रुद्रमाला के मणके भी बाकी बाकी के बंदर हैं। लेकिन एक जामवंत भी गाया हुआ है,
जामवंत और जामवंती दो नाम शास्त्रों में प्रसिद्ध है। जाम का मतलब है उनकी बुद्धि जाम है। क्या दुनिया में खास करके भारतवर्ष में उनके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, अभी दोपहर के 12 नहीं बजे। किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा बाल शरीर में कौन से धर्म वालों को होते हैं? लेकिन उनकी बुद्धि जाम रहती है। यहाँ कोई बैठा हुआ है क्या? है? यहाँ तो सबकी बुद्धि नंबरवार खुली हुई है, जाम बुद्धि तो नहीं है। इसलिए बंदर तो बहुत निकले हुए लेकिन भालू नहीं निकल रहे हैं। लेकिन एक बात विशेष है, वो भालू जब तक सहयोगी न बने तब तक स्वतंत्रता संग्राम नहीं जीता जा सकता। उनमें खासियत है, इन बंदर बुद्धि हिंदुओं ने जितने बलिदान नहीं दिए हैं उससे ज्यादा बलिदान भालुओं ने दिए। सब स्वतंत्रता हासिल होती है, वो तो है झूठी दुनिया की स्वतंत्रता और झूठी स्वतंत्रता, और यहाँ है सच्ची स्वतंत्रता। ये भी कब हासिल होगी? है जब तक वो मुट्ठी भर सिख धर्म के जामवंत नहीं निकलेंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे, तब तक ये स्वतंत्रता हासिल नहीं होगी। बंदरों में वो ताकत नहीं होती है जो ताकत भालुओं में होती है। मुसलमानों की सेना और क्रिश्चियंस की सेना, मुसलमानों की मिलिट्री और क्रिश्चियंस की मिलिट्री के बंदे राजपूतों से उतना नहीं डरते जितना वो भालुओं से डरते। इसलिए भारत के पश्चिम में सुरक्षा के लिए उनका राज्य चला है। बाबा हाँ जी, भक्ति मार्ग का भी फल मिलता है, है? भक्ति मार्ग का भी फल मिलता है। फल फल भक्ति मार्ग का फल है, भक्ति मार्ग का फल है अज्ञान, भक्ति मार्ग का फल है दुख अशांति, भक्ति आती है अनेकों से विचार से, और ज्ञान आता है एक से। एक से जो चीज आती है वो शुद्ध चीज है, वो है ऊंच से ऊंच जिससे ज्ञान आता है।
और भक्ति आती है जो नीच से नीचे है, नीचे से नीचा पार्ट बजाने वाले भी है उनसे भक्ति आती है। इसलिए प्राप्ति में भी फर्क हो जाता है। भक्ति का फल है नीचे गिरना और ज्ञान का फल है ऊपर उठना। ज्ञान का फल है मुक्ति, जीवन मुक्ति, और भक्ति का फल है बंधन, जीवन बंध। शंकर भगवान के जो गले में सांप रहता है, शंकर भगवान है, है? शंकर भगवान है ना, है? उनके गले में सांप, शंकर भगवान है। अरे शंकर भगवान होता है, है? होता है कि नहीं? अब भगवान एक होता है कि दो होते हैं कि बहुत होते हैं? एक होता है। कौन होते हैं? अरे भगवान शिव है या भगवान शंकर है? क्यों है? है? अभी नहीं कहना। अभी ये नहीं कहना शंकर भगवान कहेंगे नहीं। हाँ आप बोलो और आगे बोलो, क्या बोल रहे? हाँ शंकर भगवान सांप की बात कर रहे थे, बोलो। गले में सांप है, है? गले में सांप क्यों रहते हैं? जो शंकर वाली आत्मा है उसके गले में सुप्रीम सोल बांधा हुआ है या नहीं बांधा हुआ है? बांधा हुआ। राह चलते ब्राह्मण फंसे हो तो सुप्रीम सोल बाप शंकर के गले आकर पड़ता है, औरों के गले नहीं पड़ता है मुकर्रर रूप से। किसके गले पड़ जाता है? शंकर के गले पड़ जाता है। क्यों? कोई कारण होगा? हाँ इसलिए गले पड़ जाता है जैसे दो वर्ग होते हैं, दो पालाएं होती हैं, उन दोनों पालाओं में ऐसे समझे राम की पाला और रावण की पाला। तो रावण की पाला में जो सबसे बड़ा पहलवान होगा उस पहलवान का आधार सारे ही रावण संप्रदाय वाले लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। तो ऐसे ही राम वाली आत्मा भी रावण बनती है और रावण की पाला के जितने भी बड़े बड़े हैं मुखिया, बड़े बड़े लड़की, बड़े बड़े उस्ताद, बहुत बहुत विषय वासनाएं फैलाने वाले वो किसके गले पड़ेंगे? मुझे आगे गले पड़ेंगे। तो ये विषय वासनाओं की दुनिया है, तो विषय वासनाओं की दुनिया में शिव बाप आते हैं और जो सबसे विषैला जंतु है उसमें प्रवेश करते हैं।
तो छोटे मोटे सांप कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे माँ बाप से जाके नहीं लिपटेंगे तो किससे लिपटेंगे? माँ बाप के ही गले पड़ेंगे। तो शिव एक मुखिया को पकड़ लेता है, वो शिव चंदन है, उस चंदन के चारों ओर चाहे जितने भी सांप लिपटे रहे उनको संग का रंग नहीं लग सकता। इसलिए शंकर की कमर में काम विकार का सांप, बगलों में क्रोध और लोभ विकार का सांप, गले में मोह विकार का सांप और सर के ऊपर अहंकार का सांप दिखाया जाता है। ये भगवान का संपूर्ण रूप है जिसे शिवशंकर भोलेनाथ कहा जाता है। और कोई देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ते हैं। ये पुरुषार्थी रूप है कि प्रारब्ध का रूप है? क्यों? ये शंकर स्वरूप पुरुषार्थी रूप क्यों है, प्रारब्ध रूप क्यों नहीं है? याद की यात्रा में बैठा हुआ है। संपन्न को याद करने की जरूरत है या अपूर्ण को याद करने की जरूरत है? अपूर्ण आत्मा है तो भगवान को याद करती है। पूजा शिव की होती है, भूल जाते हो बार बार। जो लिंग की पूजा होती है उसमें बिंदु बैठा हुआ है उसकी पूजा होती है, यह लिंग की पूजा होती है वास्तव में। मैं वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बैठा हुआ है, अगर वो ज्योति बिंदु हटाए दिया जाए, हीरा हटाए दिया जाए तो शिव रह जाएगा या सब रह जाएगा? सब रह जाएगा। तो बुद्धि में से ये बात निकाल देनी चाहिए। क्या क्या निकाल देनी चाहिए? है हाँ बाबा, एक पॉइंट ऐसा भी निकला है ना कि राम की आत्मा इतनी पतित नहीं बनती जितनी कृष्ण की आत्मा बन जाती है। सबसे ज्यादा पतित कृष्ण की आत्मा बनती है। ऐसा भी एक पॉइंट है ना। रावण बनती है नहीं, मतलब इतना मनन चिंतन कैसे कर पाएगी राम की आत्मा? कृष्ण की आत्मा रावण बनती है? रावण नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? नहीं, वो रावण का बाप बन जाती है। कौन है? कृष्ण भाई आत्मा। हर मनुष्य आत्मा के अंदर सब योनियों के संस्कार नहीं होते। क्या सब योनिया सतयुग के आदि में होती है? क्या नहीं होती? सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ योनिया होती है, सुखदायी योनिया होती है, और जैसे जैसे द्वापर कलयुग गहराता जाता है भ्रष्ट योनिया दुखदायी योनियों की संख्या बढ़ती जाती है।
तो मनुष्य आत्माओं की संख्या भी सतयुग त्रेता में कम होती है और द्वापर कलयुग में बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? भ्रष्ट की तादाद ज्यादा होती है या श्रेष्ठ की तादाद ज्यादा होती है? भ्रष्ट की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो आदमी सृष्टि के आदमी जितना श्रेष्ठ बनता है, जितना ऊंचा जाता है, उसमें नीचे जाने की भी ताकत होगी या नहीं होगी? होती है। जैसे राजा का बच्चा और कोई गरीब का बच्चा दोनों कुसंग में आ जाए तो ज्यादा घातक कौन बन जाएगा? राजा का बच्चा। तो ऐसे ही जो मनुष्य शक्ति का बाप है या बाप समान जो भी आत्माएं हैं, वो ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बनते हैं। बाप का संग का रंग लगता है तब, और जब नीचों का संग लगता है तब क्या होता है? वो भ्रष्ट भी बनते हैं, भ्रष्ट से भ्रष्ट बनते हैं। उसका कारण है कि जो ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माएं हैं मनुष्य आत्माओं के बीच, वो अनेक प्रकार की योनियों का पार्ट बजाती है। सुखदायी योनियों का भी पार्ट बजाती है और दुखदायी योनियों का भी पार्ट बजाती है। उनमें एक आत्मा ऐसी है जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, आज से अंत तक ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। इसलिए संसार में जो भी 84 लाख योनियां हैं, उन सब आत्माओं का पार्ट उसमें भरा हुआ है। इसलिए भक्ति मार्ग वाले लोग कहते हैं आत्मा तो परमात्मा। अब का कलयुग के अंत में आने वाली आत्मा तो परमात्मा होगी? मगरमच्छ का, घोड़े का, कुत्ते बिल्ले का पार्ट बजाएगी? नहीं, एक ही आत्मा के लिए ये बात लागू हो जाती है 84 लाख योनियों में चक्कर काटने की। आत्मा सो परमात्मा, और भक्ति मार्ग वालों ने कह दिया है कि परमात्मा 84 लाख योनियों में चक्कर काटता है। तो परमात्मा भगवान थोड़ी 84 लाख योनियों में चक्कर काटता है। कौन चक्कर काटता है? भगवान तो चक्कर में ही नहीं आता, 84 के चक्कर में आता ही नहीं। कौन आता है? जो पूरे 84 के चक्कर में आता है वो 84 लाख योनियों जैसा पार्टी भी बजाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने कह दिया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों का पार्ट बजाती है। एक आदमी बोलो उसका नाम
शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर है। एक कहावत भी है, गंध का मूरा, उसका नाम है गांधीव एवं माने समान। समान है वो अव्वल नंबर है जिसके समान है, या ब्रह्म इंद्रियों में नीची कोटि का है। कर्म इंद्रिया नीची कोटि की है, उन कर्म इंद्रियों में ऐसी इंद्रिय कौन सी है जो जीतना बहुत मुश्किल है, है? काम इंद्रिय, और काम इंद्रिय भी स्त्री में भी है पुरुष में भी है, ज्यादा मुश्किल किसके लिए है? पुरुषों के लिए बहुत मुश्किल है। तो सबसे सशक्त इंद्रिय कौन सी हुई है जिसको बस में करने के लिए परमपिता परमात्मा को आकर के पार्ट बजाना पड़ता है? उसके लिए ही गायन है, उसके लिए ही पूजन है, और देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती हैं। लेकिन जो जीतने में बहुत कठिन है, शास्त्रों में सिर्फ एक के लिए ही दिखाया गया है कि उसने काम इंद्रिय को जीता, वो एक हीरो पाटधारी कहा जाता है। काम विकार को भस्म करने वाला कहा जाता है। वो भगवान का साकार रूप कहा जाता है। लेकिन वो आधार किसका लेता है? है जिसका आधार लेता है उसके आधार पर नाम पड़ा है गांधी। रथ किसका होता है? है रथ अर्जुन का होता है, जो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है उसका रथ नहीं कहा जाता। और अर्जुन की तरह है जो मुख्य पुरुषार्थ है, ब्राह्मण जीवन का मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? प्योरिटी। वो पवित्रता का मुख्य पुरुषार्थ ही अर्जुन पुरुष नहीं होता है, कौन होता है?
पुरुष होता है क्या है? अरे रथ का ज्यादा भान किसको होता है? स्त्री जाति को होता है या पुरुष जाति को होता है? स्त्री जाति को होता है। इसलिए भले महाभारत में अर्जुन को बड़ा पुरुषार्थी दिखाया गया है, फिर भी वो बड़ा पुरुषार्थी एक वर्ष के लिए नपुंसक भी दिखाया जाता है। उसकी वह काम इंद्रिय काम नहीं करती है, इसलिए वो पुरुषार्थ रूपी जो धनुष है उसका नाम गांधी रखा गया है नहीं, लेकिन जैसा ही है, ये वो माने जैसा समान। और टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे संक्षेत्र के लिए बात लागू होती थी कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, नर से नारायण बनने का, और क्षेत्र में बाबा ने मुरलियों में घोषणा कर दी। क्या घोषणा की है? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, और बाप कोई ऐसे नर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है जो नारायण बनता है। तो संक्षेत्र में लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता होती है। जो प्रत्यक्षता होती है वो एक की बात है या अनेकों की बात है? एक की बात है। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, वो एक ही मन बुद्धि रूपी आत्मा के लिए इशारा किया। जिस बीज में सारी दुनिया समाई हुई है वो बीज रूप आत्मा आप हुए तो मर गई दुनिया। जो मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ बताया, आखिरी लक्ष्य बताया नर से नारायण बनना, उसमें टू लेट का बोर्ड लग गया। टू लेट का बोर्ड लगना माना वो पद, वो कुर्सी और कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितना भी पुरुषार्थ करे। लेकिन वो तो एक विशेष बात हो गई, आम बात नहीं हुई, खास बात हो गई। आम बात अभी है, जो भी आम पुरुषार्थी हैं उन सब के लिए वो बात अब लागू होती है। अव्यक्तवाणी में अभी 3-4 वर्षों से बोला जा रहा है कि तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है। तो वो नई दुनिया
मात पिता के बगैर संभव हो सकती है क्या? नई दुनिया में पालना करने वाले माँ बाप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो किस रूप में है? इतना बड़ा परिवार है ब्राह्मणों का, वो माँ बाप के बगैर पालना को पा सकता है क्या? ऐसे नहीं, कि माता नहीं है या माता रावण की जेल में है इसलिए पालना नहीं दे सकती, नहीं, रावण की जेल में रहने वाले, बंधन में रहने वाले सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी होंगे, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी और वंशी होंगे या सूर्य किसी के बंधन में रहता है? न सूर्य बंधन में रहता है, न सूर्यवंशी बच्चे बंधन में रहते हैं। उन पुरुषार्थी बच्चों के बीच में दो आत्माएं ऐसी हैं जो सूर्यवंशियों के बीच में माता और पिता का पार्ट बजाने वाली है। इसके लिए शास्त्रों में दिखाया गया है कि सारी पृथ्वी और सारी पृथ्वीवासियों को हिरण्याक्ष राक्षस पाताल के गर्त में ले जाता है, लेकिन काशी नगरी पृथ्वी से छिटक करके अलग हो जाती है। तो काशी नगरी कौन से देवता को बहुत प्यारी लगती है? शंकर को बहुत प्यारी है। क्यों? ये नहीं कहा नारायण को बहुत प्यारी है, विष्णु को बहुत प्यारी है, ब्रह्मा को बहुत प्यारी है, नहीं, किसको? शंकर को बहुत प्यारी है। किस लिए प्यारी है? इसलिए प्यारी है कि उसमें चंद्रवंश की प्योरिटी का वो बीज समाया हुआ है, जिसके आधार पर स्थापना होती है नई दुनिया की। इसलिए संसार में और भारत में खास डाइन है कि काशी में जाकर के मरेंगे तो सदगति हो जाएगी। ये नाम काशी क्यों रखा गया है? काश के माने तेज, याद का जो तेज है उस युगल मूर्त में सबसे जास्ती भरा हुआ है। तो काशी नगरी कोई स्थान की बात नहीं है, कोई फीमेल व्यक्तित्व की बात है। जहां प्योरिटी होती है वहां सहनशीलता भी बहुत होती है, और सहनशीलता सर्वगुणों का राजा है।
माता के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति होती है जो पिता पालो नहीं पालना नहीं कर पाता और माता पालना करती है बच्चों की सहनशीलता। तो ब्रह्मा सारी शक्ति की माता है। इसका दूसरा नाम जगदम्बा है, परंतु वो जगदम्बा भी चंद्रवंशियों की बीज है या सूर्यवंशियों की बीज है? चंद्रवंशियों की बीज है, क्योंकि उसमें भी अज्ञानता की लीक आ जाती है, जैसे कि चंद्रमा में भी अज्ञानता की लीक जाकर बचती है। सूर्य नहीं है, सूर्यवंशी नहीं है, परंतु जो पक्के सूर्यवंशी ग्रुप वाले हैं उनमें कंबाइंड पार्ट बजाने वाले भी है, जिसे शंकर का आधानारीश्वर रूप कहा जाता है। क्या कहते हैं? किसका आधानारीश्वर है? शंकर का आधानारीश्वर, शंकरी का तो नहीं है। क्यों? जब आधा स्त्री अंग है तो शंकरी भी नाम होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? क्या तो रुद्रमाला का मणका है, सहयोगी मणका, भल माता का पार्ट बजाय रहा है। माता प्रैक्टिकल में अभी ब्राह्मण परिवार में दिखाई नहीं दे रही है, परंतु फिर भी प्रैक्टिकल में पालना मिल रही है या नहीं मिल रही है? मिल रही है। समाधान हुआ? एक मिनट, प्रश्न किसका था? समाधान हुआ? क्या समाधान हुआ? है? माना दो आम पार्टधारियों में से दो आत्माएं, उनमें एक है खास पार्टधारी और एक है आम पार्टधारियों में से भी मुख्य पार्टधारी, काशी नगरी। इन दो के लिए बोला गया कि लेट तो हो गए। क्या वो फर्स्ट नंबर युगल नहीं है रुद्रमाला के? रुद्रमाला में भी खास सूर्यवंशियों के फर्स्ट नंबर नहीं है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में अभी भी आ सकते हैं। इसलिए कहा टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा है, लेट तो हो गए हैं। माने सूर्यवंशियों के बीच में वो अव्वल नंबर युगल पार्टधारी अब नहीं बन सकते, नंबर डिक्लेयर हो गया। जैसे कोई ड्रामाबाजी करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, तो नाटक में या ड्रामा में जो पार्ट बजाने वाले हैं कोई जरूरी है कि स्त्री पार्टधारी हो ही हो है? पुरुष पार्टधारी स्त्री का पार्ट नहीं बजा सकते? बजा सकते हैं। ऐसे ही
ये सूर्यवंशियों के बीच में जो मुख्य ग्रुप है, उस ग्रुप की पालना करने वाले माता पिता के रूप में सूर्यवंशी माता पिता वो प्रत्यक्ष हुए। बाकी और आम पाठधारी जो फर्स्ट डिवीजन में भी आने वाले हैं और ग्रुप के बीच में फर्स्ट नंबर भी ले सकते हैं, वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए।